फिलहाल पाली के देसुरी से बड़ी खबर, जहां अफीम डोडा तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग की है। फायरिंग में पुलिस का एक जवान घायल बताया जा रहा है। घायल जवान को जोधपुर एम्स में भर्ती फिलहाल कराया गया है। आपको बता दें कि तस्कर स्कॉर्पियो से नाकाबंदी तोड़कर मौके से फरार हुआ और इस घटना के बाद जिले भर में नाकाबंदी कराई गई है। राजसमंद जिले में भी नाकाबंदी तोड़ फायरिंग की सूचना मिल रही है और बाल बाल बचे। देसुरी थाना प्रभारी सुरेश चौधरी इस हादसे में, पाली जिले के देसुरी नाल की पूरी घटना, बाली एडिशनल SP मौके पर पहुंच गए हैं और तलाश जो है वो जारी है यहां पर तस्कर की। सात और आठ की दरमियानी रात को चारबुजा राजसमंद पुलिस ने इतला दी कि दो स्कॉर्पियो वाहन संदिग्ध है, जिसमें डोडा चूरा हो सकता है। ये नाकेबंदी पुलिस वहाँ की लोकल पुलिस पीछा कर रही थी तो उधर से भागे हैं, तो यहाँ थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने तुरंत जाप्ता ले जाकर वहाँ देसुरी में हरिओम आश्रम के आसपास नाकेबंदी प्रारंभ करी। इस दरमियान एक गाड़ी जो नाकेबंदी देख के दूर से रुक गई और उसने गाड़ी मोड़ने का प्रयास किया, तो जाप्ते ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो गाड़ी में ड्राइवर सीट के पास बैठे हुए व्यक्ति ने एक गाड़ी के अंदर से बैठे बैठे फायर किया, जो हमारे जवान एक घायल हुआ है जिसका एम्स में इलाज चल रहा है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रहलाद फिलहाल साथ में जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, देखिए जिस प्रकार की तस्कर आदमी व्यक्ति जो था तस्कर, उसके द्वारा यहां पर फायरिंग पुलिस पर की गई, क्या ये पूरी घटना रही? और बताया जा रहा है कि नाकेबंदी को तोड़कर जो तस्कर था वो फरार हो गया है, फिलहाल क्या उसकी तलाशी में अभियान जारी है? ये पूरी घटना आज सुबह 4 बजे की है, जब राजसमंद जिले के चारबुजा पुलिस थाने की सूचना पर देसुरी पुलिस थाने ने आज नाकाबंदी की थी। जो चारबुजा से वो तस्कर वहां से फरार हो चुके थे, तो देसुरी थाने के कांस्टेबल रणवीर सिंह ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तुरंत उन्होंने फायरिंग की जिसमें कांस्टेबल के पांव में गोली लगी है और वो घायल है, जिनको जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया गया। सूचना मिलती ही बाली एडिशनल SP विजय सोनी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया और पूरे राज्य में नाकाबंदी करवाई गई। प्रहलाद, कितने लोग थे तस्करी में लिप्त जो थे? क्या एक व्यक्ति था या उसके साथी भी मौजूद थे? चूंकि ऐसी ही घटना राजसमंद से भी सामने आई, वहां पर भी फायरिंग की है और नाकेबंदी तोड़कर भागे हैं ये तस्कर। इसमें अब तक दो लोगों का पुलिस ने बताया कि दो लोग थे उस स्कॉर्पियो गाड़ी में जिन्होंने गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, पुलिस अभी तलाशी कर रही है उनकी। जी प्रहलाद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।